एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस बार आ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और कोरोना के मामले फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक दिन में 500 से ज्यादा कोविड के केस दर्ज किए गए हैं। स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में। आप सभी छात्र छात्राओं को बता दिया, यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले छात्र छात्रा हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। इसलिए आप सभी छात्र को वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें ताकि आपके बोर्ड या राज्य से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार समय समय पर बड़े बदलाव कर रही है। इसी बीच बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कल एक सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दिया है, आज तक का ये सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। बोर्ड की परीक्षा 2024 को लेकर यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले छात्र छात्रा है तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र छात्रा है तो आप तमाम छात्र जुड़ी बहुत बड़ी और अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, सरकार ने तीन राज्यों में शानदार जीत से प्रभावित होकर तीनों राज्यों के 10वीं और 12वीं के पास लैपटॉप पास छात्रों को लैपटॉप और 1-1 लाख रुपए की नगद राशि सम्मानित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसका शुभारंभ 20 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहुत सारे दिशा निर्देश जारी कर रही है जिससे कि छात्रों की परीक्षाओं पर किसी भी तरह का खतरा ना हो। वहीं सरकार ने अभी अभी बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्देश जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप सभी छात्र छात्राएं चौंक जाएंगे। आप सभी को बता दें कि यदि बोर्ड परीक्षा में कोई भी छात्र नकल करते हुए पाया जाता है या जिन छात्रों के बीच बेंच सीट के पास नकल से संबंधित कोई भी कागज पाया जाता है तो छात्र को बोर्ड परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने बहुत बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। इसलिए सभी छात्रों से निवेदन है कि परीक्षा सीट पर बैठने से पहले दाएं बाएं और आगे पीछे अच्छे से देख लें और उसके बाद ही बैठे, नहीं तो आपको परीक्षा से हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम निर्देश यह किया है कि कॉपियों की चेकिंग होगी तो कॉपी पर पैसा या किसी भी छात्र का मोबाइल नंबर लिखा होगा तो उस छात्र को सीधा फेल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर से संबंधित आंसर दें। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।